केजरीवाल के सियासी दांव की पहली चुनावी परीक्षा 5 अक्टूबर को हरियाणा में है। ये केजरीवाल का गृह राज्य है जहां कांग्रेस से आपका गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा के चुनाव प्रचार में है। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल गए थे 1 अप्रैल को वजन 65 किलो था। अभी जेल से बेल पर निकलने से पहले पिछले बुधवार को अरविंद केजरीवाल का वजन 62.5 किलो बताया गया। वजन की बात पहले इसीलिए क्योंकि सियासत में नेताओं का कद, पद और वजन बहुत मायने रखता है। जहां दिल्ली और पंजाब तक कांग्रेस को ही पीछे करके सत्ता तक केजरीवाल अपनी पार्टी को ला चुके हैं, तब इन दोनों राज्यों के बीच हरियाणा है जहां मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सवाल ये कि केजरीवाल के इस्तीफे के दांव से क्या पार्टी हरियाणा के चुनाव में भी दिल्ली की तरह झाड़ू लगा सकती है, जहां केजरीवाल को हरियाणा का छोरा बताकर माहौल बनाया जा रहा है। मैं जहां भी गया हरियाणा से आपका सिर झुकने नहीं दिया। मैंने हरियाणा का सिर ऊपर रखा। दिल्ली में आज जितने काम कर रहा हूं, मैं दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल शानदार कर दिए। सुना आपने, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, सारे कहते हैं हरियाणा का छोर आया। वैसे केजरीवाल के इस इमोशनल कार्ड का असर अभी तक हरियाणा के चुनावों पर होता नहीं दिखा है, क्योंकि 2014 से 2024 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का वोट गणित देखें तो ना तो सांसदी में जीत मिली न विधायकी में, वोट शेयर 4.5% तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब की बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरने पर भी जीत केजरीवाल के कैंडिडेट की हरियाणा में नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देकर इस सियासी गणित को सुधार पाएंगे? आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। आप अपने हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, आपने सबको मौका देके देखा है। केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से हरियाणा में पार्टी का प्रचार अभी तक नहीं हो पा रहा था। बड़ी बात यह है कि दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में उनकी पार्टी का कैडर इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए पार्टी की तरफ से केजरीवाल की गैर मौजूदगी में इस चुनाव को हरियाणा की इज्जत से जोड़ने की भी कोशिश की गई। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई, पिताजी हिसार में नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब खुद केजरीवाल ऐसी बातें हरियाणा में करते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उनका सारा फोकस अपने ही गृह राज्य में होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या केजरीवाल के प्रचार करने से हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा? हरियाणा की जनता से, असंत की जनता से कि आपने सारी पार्टियों को आजमा कर देख लिया, भाजपा को भी आजमा लिया, कांग्रेस को भी अपना लिया, जजपा इनेलो को भी अपना लिया, एक बार आम आदमी पार्टी को अपना कर देखो, हरियाणा के अपने लाल अरविंद केजरीवाल को अपना कर देखो, जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता हर चुनाव में अब आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाती है, वैसे इस बार अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की अब सारी कोशिश हरियाणा की जनता को भावुक करने की होगी। अब अगर इसमें वो कामयाब हुए तो वो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? क्या वो सत्ता विरोधी वोट में सेंध लगाकर कांग्रेस की सीटें कम करेंगे या फिर बीजेपी के कोर शहरी वोटर को अपने पाले में लाकर उसे झटका देंगे? हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और अभी नहीं पहले भी था, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा है, और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। 2019 के मुकाबले हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन मजबूत माना जा रहा है। मेरे से लिख के ले लो, भारतीय जनता पार्टी की इस बार 20 सीटें भी नहीं आ रही इस चुनाव में, लेकिन ये
सरकार किसकी बनती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार जो भी सरकार बनती है वो आपके वोट और आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी हरियाणा में। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव-गांव घूमकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर हो सकता है। हालांकि ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे।